मानसून 2020 ताजा अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मानसून 2020 के ताजा अपडेट के बारे में। तो क्या अपडेट है मानसून को लेकर, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मोबाइल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों तेज रफ्तार से बढ़ रहा है मानसून, देश के इन क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश। इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि जून के महीने में पारा 40 के नीचे हो रहा है। शनिवार को भी देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग के क्षेत्रीय विशिष्ट विज्ञान केंद्र का कहना है कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में हो सकती है बारिश। मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक इससे गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 23 दिनों में कर्नाटक के कुछ और इलाके, पूरे तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, पूरी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की स्थितियाँ अनुकूल है। राजधानी दिल्ली में मौसम सुहावना। राजधानी दिल्ली में जून में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। रविवार सुबह भी दिल्ली NCR में हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन और मौसम सुहावना रहेगा। 15 जून तक आगे बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तापमान 41 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 8 जून के आसपास पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग IMD के अनुसार 8 जून यानी कल, 9 जून और 10 जून को दिन में तेज हवाएं चलती रहेगी। इस दौरान तापमान 41 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा। हालांकि इन 3 दिनों में बारिश की संभावनाएं नहीं जताई गई है। इसके बाद 11 जून और 12 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावनाएं भी बनती रहेगी। दोस्तों मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही है और मानसून के बादल जो है केरल में दस्तक देते जा रहे हैं। जब पूरी मात्रा में केरल में मानसून बादल एकत्रित हो जाएंगे तो वहाँ से यह रफ्तार पकड़ेंगे और देश में यानी कि भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसा लेटेस्ट अपडेट मानसून को लेकर वीडियो को शेयर करें जैसे ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, और ऐसे के देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।